हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोहा अरोमा। आज मैं आपको यहाँ पे हैश ब्राउन की रेसिपी दूंगी जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि हैश ब्राउन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए जिसका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब सबसे पहले मैं सारे आलू को कद्दूकस करूँगी। सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल में ठंडा पानी लिया और कुछ बर्फ़ के क्यूब भी डाल दिया है। अब सबसे पहले मैं सारे आलू को इस ठंडे पानी में डालूँगी और मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। दस मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से हाथों से आलू का पूरा पानी निचोड़कर एक बर्तन में रख दूँगी। आप चाहे तो इसको छन्नी में डालकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं या फिर एक सूती कपड़े में सारे आलू को डालकर उसका पानी निचोड़ सकते हैं। ये देखिए, सारे आलू मैंने पानी में से निकाल लिया है। अब मैं दूसरी तरफ एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 चम्मच मक्खन डालूँगी। अब मैं मक्खन में सारे आलू को डाल दूंगी और 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर आलू को फ्राई कर लूंगी ताकि आलू में जितने एक्सेस पानी है वो भी ख़त्म हो सके। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है। अब सबसे पहले 2 चम्मच मैं चावल का आटा डालूँगी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चेदर चीज़ ली है। आप चाहे तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से हाथों से मसल कर सारे मसाले को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मिक्सर मेरा बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसको 5 मिनट के लिए साइड पर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं हाथों पे हल्का सा तेल लूँगी, उसको ग्रीस कर थोड़ा सा पोर्शन उठाऊँगी और इस तरीके से गोल गोल बना करते हुए इसको ऐसे शेप कर दूंगी। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं लेकिन मैं हैश ब्राउन इसी तरीके से बनाऊंगी। देखिए एक मेरा हैश ब्राउन बनकर तैयार हो चुका है, दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। मैंने एक थोड़ा सा पोर्शन लिया मिक्सर का, हाथों में इस तरीके से मिक्स किया, रोल किया और इसको हाथों से प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने सारे हैश ब्राउन बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इतने मिक्सचर से मैंने 5 हैश ब्राउन बनाया है। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। इसके लिए मैं 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म होने दें। तेल अब गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके सारे हैश ब्राउन तेल में डाल दूँगी और लो टू मीडियम आंच पर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी या जब तक कि हैश ब्राउन बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। देखिए मैं इसको दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी पलट लिया है और धीमी धीमी आंच पर इसको ब्राउन होने दें।
देखिए सारे हैश ब्राउन गोल्डन कलर के हो गए हैं। मैं इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए सारे हैश ब्राउन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ like my videos. Thank you so much for watching my videos. Stay happy and stay healthy. Thank you.